है दोस्तों, जैसे करो कि आपने फ्लिपकार्ट से कुछ कॉस्टली प्रोडक्ट लाइक फोन आईफोन ऑर्डर किया है और आईफोन की जगह पे आ जाता है, चीटिंग करता है तो इस केस में आपके साथ क्या होगा? डोंट वरी दोस्तों, इसके लिए फ्लिपकार्ट ने एक नया पॉलिसी लाया है जिसे कहते हैं ओपन बॉक्स पॉलिसी। तो दोस्तों, ओपन बॉक्स पॉलिसी को हम यूज कैसे करें, इसका बेनिफिट हम कैसे उठाएं, आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करते वक्त आप ये ध्यान रखें कि जब आप फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं तो ओपन बॉक्स पॉलिसी कैसे यूज करना है। जब आप कोई प्रोडक्ट लाइक मैंने ये फोन सेलेक्ट कर लिया है, तो मैंने ये फोन सेलेक्ट कर लिया और इसका सारा डाटा मैंने फिल कर दिया, उसके बाद हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। हम बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सारा एड्रेस लोकेशन मेंशन हो जाता है। एड्रेस लोकेशन मेंशन होने के बाद कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक हमें ओपन बॉक्स पॉलिसी का ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है। इस ओपन बॉक्स पॉलिसी में ये पॉलिसी होता है कि जब भी कोई एजेंट आपके पास फोन लाता है, उस दौरान वो आपके ओटीपी के थ्रू आपके सामने आपके प्रोडक्ट को ओपन करता है और आपको ये एक बिलीव दिलवाता है कि वो आपका प्रोडक्ट सेम लेके आए, आप चेक करें और उसे एक्सेप्ट कर ले। देखिए, मैंने इसे ऑर्डर को प्लेस कर दिया है। अब मेरे पास डिलीवरी मैन जब आएगा तो वो मेरे सामने वो प्रोडक्ट को ओपन करके दिखाएगा और वो मुझे एक बिलीव दिलाएगा कि हाँ, उसने सेम प्रोडक्ट मेरे को लाया है। तो फ्लिपकार्ट वालों की तरफ से एक ये नया पॉलिसी आया है ताकि फ्लिपकार्ट पे हम पे विश्वास बना रहे और हमें ओपन बॉक्स के तरीके से हमें सामान को क्वालिटी और सामान दिखा के कि ये हमारा ही सामान है, इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिल जाए। तो ये फ्लिपकार्ट का एक बेहतरीन फीचर्स रहा है, ओपन बॉक्स पॉलिसी। जरूर सेलेक्ट करें। तो आपका प्रोडक्ट लगता है कि इस प्रोडक्ट में कोई कंप्लेन है, कोई इश्यू आ रही है या ये मेरा वो प्रोडक्ट नहीं जो मैंने ऑर्डर किया है, तो आप तुरंत एजेंट को वो प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं और आप कैश वापस ले सकते हैं, अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर कैसी लगी दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूले, कमेंट करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आती रहे।